सो वेलकम बैक दोस्तों टू आर पाठन ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग क्या होता है। सो बिफोर मूविंग टू द टॉपिक विल स्टार्ट विद अ कोट। सक्सेस इज वॉकिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विद नो लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। सो व्हाट डज इट मीन दोस्तों? देखिए, हम कुछ भी ट्राई करते हैं, हम कभी फेल होते हैं, कभी सक्सेस होता है, ठीक है। बट इन अ लॉन्ग टर्म अगर आप कुछ बड़ा कर रहे हैं तो देर विल बी मल्टीपल ऑब्स्टेकल्स, कुछ बाधाएं आएंगी, कुछ फेलियर आएंगे, बट हाउ टू कन्वर्ट दैट इन टू द सक्सेस। सो दिस इज द यू नो वन ऑफ द वेरी डीप मीनिंग कोट। सक्सेस इज वॉकिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विद नो लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। तो आप एक फेलियर से दूसरे फेलियर की तरफ बढ़ते रहिए, जब तक बढ़ते रहिए जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती है। और इस प्रोसेस में आपको अपना एंथुसियाज्म नहीं खोना है, अपना जो आपका पर्पस था जिसके कारण आपने स्टार्ट किया कुछ भी, ठीक है, जो आपकी प्रेरणा थी, जो आपका इंस्पिरेशन थी, उसको लूज नहीं करना है। यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट। अगर आप वो करते रहेंगे तो डेफिनेटली यू गोना गेट सक्सेसफुल। एंड दैट इज अ फेमस कोट फ्रॉम द विंस्टन चर्चिल। नाउ स्टार्ट विद आवर टॉपिक। आवर फर्स्ट टॉपिक इज ओवरलोडिंग। व्हाट इज ओवरलोडिंग? ठीक है दोस्तों, व्हाट इज ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस रेफर कर सकते हैं। फ्यूचर में मैं आपको इनके पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप भी बताऊंगा। ओके, सो ओवरलोडिंग इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इस पॉइंट पर हम आएंगे, पर पहले समझते हैं एक्चुअली ओवरलोडिंग है क्या। सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। तो दोस्तों क्या होता है, हम कोई क्लास बनाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस हम बनाते हैं। लेट्स सपोज हमने ऐड करने का एक फंक्शन बनाया, उसमें हमने इंटीजर्स ऐड किए। एक हमने फंक्शन बनाया जिसमें हमें स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करनी है, ठीक है। आपने स्ट्रिंग, उसमें स्ट्रिंग देंगे, आप स्ट्रिंग देंगे, वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। दैट मीन्स अगर आप 4 और 5 देंगे तो रिजल्ट 9 आना चाहिए। अगर आप ए और बी देंगे, ठीक है, तो वो ए बी आना चाहिए। दिस काइंड ऑफ यू नो फंक्शंस, जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम्पल। तो आप क्लास में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस देते हैं, करेक्ट। अभी ओवरलोडिंग क्या है, सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर्स। तो क्या होगा, आपके जो मेथड्स हैं क्लास के अंदर, ठीक है, आप एक ही मेथड यूज़ कर लीजिए, ऐड। तो आप दो मेथड बनाएंगे सेम नेम के, बट उनके सिग्नेचर डिफरेंस रहेंगे। दैट मीन्स एक में आप शायद ए प्लस बी करेंगे इंटीजर, ठीक है, तो 4 + 5 9 आएगा। और एक में आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को, तो ए बी आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। तो क्या होता है, आप एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम से दो मेथड्स हैं और उनको आप एक मेथड दूसरे मेथड को ओवरलोड कर रहा है। आपको जब अभी इसके तुरंत बाद में प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। बट इन पाइथन डजंट सपोर्ट यू नो मेथड ओवरलोडिंग एंड यूजेस द लेटेस्ट डिफाइंड मेथड। इसका मतलब क्या है, तो पहली बात यह है दोस्तों, पाइथन में ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, दैट इज़ द रीज़न, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन यूज़ द लेटेस्ट डिफाइंड मेथड। तो समझ लीजिए, आपने एक फंक्शन बनाया ऐड, ठीक है, और उसमें दो वेरिएबल लिए ए एंड बी, और फिर इसके अंदर आपने क्या किया, रिटर्न ए प्लस बी। अभी आपने एक मेथड बनाया दोबारा से ऐड ए बी एंड सी, और यहाँ पे आपने रिटर्न किया ए प्लस बी प्लस सी। तो जब आप अब ऐड करने जाएंगे, 2 + 3 करने जाएंगे, तो ये आपको एरर दे देगा। क्या एरर देगा, 1 पैरामीटर इज़ मिसिंग। दैट मीन्स ये हमेशा लेटेस्ट डेफिनेशन लेता है, क्योंकि आपकी पुरानी डेफिनेशन में सिर्फ आप दो वेरिएबल दे रहे थे ए एंड बी, ठीक है, और एक में 3 दे रहे थे। तो अगर इसको ये लेटेस्ट मेथड नहीं यूज़ करता और सारे मेमोराइज करता, तो आपका ये मेथड भी चलना चाहिए था, फिर 2 पैरामीटर्स। पर ऐसा नहीं होता है, आपका बोलेगा 1 पैरामीटर आपका मिसिंग है, 3rd, क्योंकि इसने लेटेस्ट डेफिनेशन लिया है और उसी को यूज़ करेगा, ठीक है। अभी ये करता क्यों नहीं है, तो दोस्तों जो मेथड ओवरलोडिंग है, दैट इज़ अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो क्या होता है, जब आपका कोई भी कोड कंपाइल होता है, तो कंपाइल टाइम पे क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, आपका जो मेथड्स है, ठीक है, मेथड्स को उनके सिग्नेचर के बेसिस पे याद रखता है। सिग्नेचर क्या है आपका, ये जो आपने यहाँ पर डेफिनेशन, जो फंक्शन क्या करेगा वो उसका सिग्नेचर होता है। तो अगर आपने ये दोनों डिफाइन किए हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, इसके सिग्नेचर के बेस पे याद रखता है। ये ऐड में 2 वेरिएबल जाएंगे, ये ऐड में 3 वेरिएबल जाएंगे,
और जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, जिसमें दो वेरिएबल्स हैं उसको कॉल करेगा और आपको आउटपुट दे देगा 2 + 3 = 5। ठीक है, तो इसीलिए ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, क्योंकि कंपाइल टाइम पे ही कंपाइलर इसको याद रखता है। और क्या इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, तो क्या उसने दोनों सेम ही हैं लेकिन उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या सिग्नेचर है, उसको याद रखता है। एंड एज वी नो पाइथन में कंपाइलर नहीं होता है, पाइथन में इंटरप्रिटेशन होता है। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, नॉट अ कंपाइल्ड वन। जब इसमें कंपाइल होता ही नहीं है तो उसको याद कैसे रखेगा, जब याद नहीं रखेगा तो ओवरलोडिंग कैसे करेगा। आई होप इतना आपको थोड़ा एक्सप्लेन जो मैंने किया है वो समझ में आया होगा। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग में जैसे कि मैंने बताया था कि पाइथन ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है, और ये लेटेस्ट जो फंक्शन डेफिनेशन उसी को यूज करते हैं, तो पहले उसको समझते हैं। तो मान लीजिए आपका एक फंक्शन है एड, और ये दो वेरिएबल लेता है और रिटर्न करता है a+b। एक आपका फंक्शन, फिर हम इसको बनाते हैं और इस बार लेता है तीन वेरिएबल्स, रिटर्न करता है a+b+c। अगर अब आप डेफिनेशन को कॉल करें, सॉरी एड फंक्शन को कॉल करें और उसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल दें तो ये आपको एरर देगा, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट c। ठीक है दोस्तों, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग इन थियोरेटिकल पार्ट, कि आपका जो लेटेस्ट डेफिनेशन है उसी को याद रखता है। ठीक है, तो इसीलिए मेथड ओवर लोडिंग इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। हाउएवर हमारे पास एक वर्क अराउंड है यूजिंग द FLS कमेंट, द आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फीचर, जिसके थ्रू हम मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। आइए उसको देख लेते हैं। दोस्तों, चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ फंक्शन विद इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग्स। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाया है हमने, ये है फाइनल, इसमें हम टाइप ऑफ लेते हैं, जो हम वेरिएबल जो इनपुट्स आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं उसका टाइप क्या है, और स्टार वेरिएबल, इसका मतलब है अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट, एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दिस फंक्शन विल टेक। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अगर इनपुट टाइप हमारा इंटीजर है तो हम रिजल्ट को जीरो सेट कर देंगे, और अगर हमारा इनपुट टाइप स्ट्रिंग है तो हम उसको रिजल्ट को जस्ट एम्प्टी रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ट्रैवर्स करेंगे जितने भी वेरिएबल्स हमने पास किए हैं। ठीक है, तो फॉर एक्स इन वेर, अगर आप दो वेरिएबल लेंगे, तीन वेरिएबल लेंगे तो उन सबको ट्रैवर्स करेगा, तो अभी क्या करता चला जाएगा, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस एक्स। तो ये अगर आपका इंटीजर है तो उसको ऐड करता चला जाएगा, कैसे करेगा, अगर इंटीजर तो जीरो है रिजल्ट की वैल्यू, जीरो प्लस अगर आपने टू और थ्री दिया, जीरो प्लस टू टू, टू प्लस थ्री, क्योंकि उसकी वैल्यू रिजल्ट में स्टोर होती रहेगी, फिर रिजल्ट को ऐड कर देगा थ्री इसके साथ। ओके, तो 2 + 3 = 5 हो जाएगा। अगर स्ट्रिंग है तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, आपने ए और बी दिया है तो क्या करेगा, ये आपका फर्स्ट वेरिएबल विल बी ए, ये एम्प्टी है, उसके साथ फिर सेकेंड को प्लस कर देगा, प्लस क्या करेगा, ए प्लस बी कर देगा, तो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा और फिर उस रिजल्ट को हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम देखिए, एक हमने फंक्शन को कॉल किया इंटीजर टाइप के साथ 5 और 6, और एक इंटीजर के साथ स्ट्रिंग के साथ कॉल किया 3 18। जब हम इंटीजर को कॉल करेंगे तो 5 + 6 = 11 प्रिंट होगा, और यहाँ पर ये कॉन्कैटिनेशन होकर 3 18 प्रिंट होगा। आइए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, फर्स्ट 6 + 5 = 11 प्रिंट हुआ है और दूसरा 3 18 प्रिंट हुआ है। तो इसमें हमने क्या किया है, वी हैव जस्ट वर्क अराउंड, हम एक ही फंक्शन को दो डिफरेंट वे में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग, राइट। आप एक ही फंक्शन है लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट सिग्नेचर्स हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन सेम नाम से एडिशन कर रहे हैं, एक सेम नाम से कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं। तो पाइथन में दिस इज द वर्क अराउंड, हम एक ही फंक्शन को सेम नेम से, फाइनल नेम से ही है, लेकिन उसको टू डिफरेंट वे में वी आर मेकिंग इट वर्क। तो दिस इज मेथड ओवरलोडिंग इन पाइथन। सो दोस्तों, अब हम जानेंगे ओवरराइडिंग तो वर्सेस ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या है, अगेन आई विल कम बैक टू इट। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। सेम मेथड इन
पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास यूजिंग इनहेरिटेंस। तो दोस्तों ओवरराइडिंग के लिए हमेशा हमें दो क्लास चाहिए रहेंगी, ठीक है, और ये पेरेंट और चाइल्ड क्लास के बीच में होता है, तो एक क्लास पेरेंट क्लास रहेगी, ठीक है, और एक क्लास चाइल्ड क्लास रहेगी जो पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेंगी। ओके, इनहेरिटेंस क्या होता है ये भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस रेफर कर सकते हैं। तो अगर आपका हम जैसे कि जानते हैं इनहेरिटेंस में जो हमारी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है, तो सेम वे यहाँ पर कोई फंक्शन है उसको भी इनहेरिट करते हैं, बट जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो पेरेंट क्लास का जो उसका सिग्नेचर है डेफिनेशन है वो एग्जीक्यूट होता है। बट यूजिंग द ओवरराइडिंग व्हाट वी डू, वी ओवरराइड दैट फंक्शन और पहले हम जो चाइल्ड क्लास के अंदर उस मेथड का डेफिनेशन है वो एग्जीक्यूट होगा, ना कि पेरेंट क्लास का, बट मेथड का नाम सेम रहेगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड ओवरराइडिंग। सब क्लास चेंजिंग फंक्शनैलिटी ऑफ अ मेथड इन अ सुपर क्लास, दिस इज अ सब क्लास, दिस इज सुपर क्लास, और यहाँ पे क्या हो रहा है जो चाइल्ड क्लास है सब क्लास है वो एक मेथड की फंक्शनैलिटी, जो पेरेंट क्लास में मेथड है उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज कर रहा है, क्योंकि जब आप कॉल करेंगे तो जो चाइल्ड क्लास का मेथड है, हालांकि पेरेंट क्लास में भी वही मेथड है, लेकिन जो एग्जीक्यूट होगा वो चाइल्ड क्लास की डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी। अब इसको वेरी आई नो नॉर्मल रियल टाइम एग्जांपल से समझ लेते हैं, सिंपल। आपको कुछ बाई करना है और आपके पास आपके पास अपना एक अकाउंट है और उसका एक डेबिट कार्ड है, ठीक है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वाट एवर, आप उससे पे करना चाहते हैं, ठीक है। सेम टाइम पे अभी आपका डेबिट कार्ड नहीं चल रहा, ठीक है, या आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अपनी चीज़ें जो हैं मोस्ट चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, ओब्वियसली दे विल अलाउ अस, और हम उनका कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ पेरेंट, दिस इज़ चाइल्ड नाउ, लेकिन जब आपका कार्ड चल रहा है एंड यू हैव अ बैलेंस, तो व्हाट यू विल डू फर्स्ट, आप पहले अपना कार्ड यूज़ करेंगे ना कि पेरेंट्स का। तो यहाँ पर क्या है, डेबिट जो कार्ड है वो फंक्शन है सेम है, यहाँ पे भी कार्ड ही है, यहाँ पे भी कार्ड ही है, बट यू आर ओवरराइडिंग इट यूजिंग योर ओन कार्ड, ना कि पेरेंट्स का। इट इज़ सबसे सिंपल एग्जांपल है जो मैं बता सकता हूँ, अच्छे से समझें इसे, सिंपली है बस, चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास का कोई भी एक मेथड को अपने डेफिनेशन के हिसाब से यूज़ कर रहा है। अब आते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पर। दोस्तों कंपाइल टाइम में क्या हो रहा था, कंपाइल टाइम में आपका जो ऑब्जेक्ट बन रहा था, जो भी ऐप का एक मेथड का ऑब्जेक्ट बनता है, वो या क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी फंक्शनैलिटी से बाइंड हो जाता है, ठीक है, उसकी जो भी फंक्शनैलिटी रहेगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हमेशा ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है, करेक्ट, तो जो भी आपने डिफाइन किया है उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उस ऑब्जेक्ट की एक फंक्शनैलिटी रहेगी। कोई दूसरा मैंने फंक्शनैलिटी डिफाइन की है, एक फंक्शन बनाया है उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वो उससे बाइंड रहेगा। अब जब कंपाइल टाइम पे क्या होता है, कंपाइल टाइम पे कंपाइलर चेक करता है और जो भी मेथड है उसका जो सिग्नेचर है, ठीक है, उसके बेसिस पे उस ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेता है। दिस इज दैट इज़ व्हाट हैपनिंग इन कंपाइल टाइम। अब रियल टाइम में क्या हो रहा है दोस्तों, रन टाइम पे क्या, इसमें क्या होता है, जब आपका कोड एट द रन टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, कंपाइलेशन में क्या होता है, पहले कंपाइल होता है फिर एग्जीक्यूट होता है, राइट, यहाँ पे डायरेक्ट जब रन टाइम हो रहा है उसी टाइम पे आपका जो बाइंडिंग होगी ऑब्जेक्ट की वो उसके सिग्नेचर से बाइंड किया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हम पहले कंपाइल टाइम पे बाइंड करके नहीं रख रहे हैं, जब एग्जैक्टली रन टाइम है जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तभी बाइंडिंग हो रही है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग के लिए हमारे पास एक पेरेंट क्लास होनी चाहिए, एक चाइल्ड क्लास होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने इसमें क्या किया है, पहले एक पेरेंट क्लास बनाया है, ठीक है, उसमें उसका नेम एंड वैल्यू दो पैरामीटर्स लिए हैं, उनकी वैल्यूज इनिशियलाइज कर लिए, जैसे ही पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ये वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगी बाय डिफॉल्ट। तो नेम इज प्लैटिनम एंड वैल्यू इज 1 लाख, और फिर एक फंक्शन बनाया है क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और उसमें मैंने प्रिंट किया है जब पेरेंट क्लास का क्रेडिट कार्ड फंक्शन फादर हैव अ कार्ड दैट इज प्लैटिनम कार्ड एंड इट्स लिमिट इज 1 लाख रुपीज, ठीक है, और फिर इसको हमने प्रिंट करा लिया है। सेम वे हमारे पास चाइल्ड क्लास है, हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई है, इसमें हम पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेंगे, ठीक है,
अब यहाँ पे भी हमने जब ये चाइल्ड क्लास इनिशियलाइज होगी तो इसमें भी दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज रहेंगे, नेम एंड वैल्यू। वैल्यू नेम इज क्लासिक, वैल्यू इज 10,000। और फिर इसी के अंदर एक फंक्शन है सेम नेम से जो पेरेंट क्लास में है, क्रेडिट कार्ड। और फिर इसको भी हमने यहाँ पर आई डू हैव, बिकॉज ये चाइल्ड क्लास का है तो आई डू हैव अ क्लासिक कार्ड एंड इट्स लिमिट इज 10,000 रुपीज, और इसको हमने फिर प्रिंट कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं जब हम क्रेडिट कार्ड को कॉल करेंगे। ठीक है, अब हमने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट फादर के अंदर डाल दिया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मी के अंदर डाला है। अब जब हम फादर क्लास का फंक्शन कॉल करेंगे तो ये प्रिंट होगा, और जब चाइल्ड क्लास का करेंगे तो ये प्रिंट होगा। आइए रन करके देखते हैं। ये देखिए, माई फादर हैव अ प्लेटिनम कार्ड एंड इट्स लिमिट इज 1 लाख रुपी, आई डू हैव अ क्लासिक कार्ड एंड इट्स लिमिट इज 10,000 रुपीज। तो दैट इज कॉल्ड मेथड ओवर राइडिंग, जहाँ पे हम पेरेंट क्लास का मेथड को चाइल्ड क्लास में ओवर राइड कर रहे हैं। तो वी डोंट हैव टू चेंज द नेम, ठीक है, बट अगर हमको कभी यूज करना है तो उसका प्रैक्टिकल यूज आप कहाँ पे करते हैं, जब आप लार्ज कॉम्प्लेक्स यू नो प्रोग्राम लिखते हैं, मॉड्यूल्स लिखते हैं, तो वहाँ पर आप नहीं चाहते हैं कि आप मतलब यू नो देर माइट बी अ रिक्वायरमेंट कि सेम एक फंक्शन है उसका नाम सेम रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो आप कोई नया नाम देके फंक्शन कोई नहीं लिखना चाहते हैं, तो जब आपको जरूरत पड़े आप पेरेंट का यूज कर ले, जब आपको जरूरत पड़े आप चाइल्ड क्लास का यूज कर ले, तो आप मेथड ओवरराइडिंग यूज करते हैं। ठीक है, उसमें आपको फंक्शन नया लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप पेरेंट क्लास का इनहेरिट कर सकते हैं, और फिर अपने जो चाइल्ड क्लास है, डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड क्लासेस रहेंगी उनके अकॉर्डिंग कहीं पर रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग उसका सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे अपकमिंग ट्यूटोरियल विल बी ऑन इटरेबल्स एंड जनरेटर्स, सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग, थैंक यू फॉर योर कॉमेंट्स।